नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ए सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मकान में लगने वाले 4.5 इंच वाल और 9 इंच वाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके और फायदे और नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही इसके संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपका मकान फ्रेम स्ट्रक्चर है या लोड बियरिंग है या दोनों का मिक्स है, यह पहले देख लें। यदि फ्रेम स्ट्रक्चर है तो 4.5 इंच का दीवाल दे सकते हैं। यदि लोड बियरिंग है तो 9 इंच से कम का दीवाल नहीं दें। यदि मिक्स्ड है तो स्लैब के नीचे अगर बीम है तो 4.5 इंच, और स्लैब के नीचे बीम नहीं है सिर्फ दीवाल है तो दीवाल का थिकनेस 9 इंच रखें। और बाहरी दीवाल चाहे फ्रेम स्ट्रक्चर हो, लोड बियरिंग हो या मिक्स्ड हो, हर हाल में 9 इंच ही दें। बाहरी दीवाल 9 इंच होने से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ये 9 इंच दीवाल का फायदा है। जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसम में दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। और यहाँ देखिए, जब आप ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लें तो शाम के टाइम में उसको कवर कर दें, जैसे इस तरह यहाँ देखिए कवर किया हुआ है। नहीं तो अगर रात में कहीं वर्षा हो गया तो आपका दीवाल खराब हो सकता है। तो हर हाल में काम समाप्त होने के बाद दीवाल को जरूर कवर कर दें। बरसात के मौसम में आप सीलन से बचेंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा, दीवार का पेंट, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन हमेशा सुरक्षित रहेगा। और इससे नुकसान ये है कि इसमें आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा। 4.5 इंच दीवार लगाने का फायदा आपको ये होगा कि इसमें आपका मटेरियल कम लगेगा। और नुकसान ये रहेगा कि आप मकान के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जाड़ा, गर्मी, बरसात का दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और ख़ास करके बरसात में दीवार डैम्प होने से मकान में काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 9 इंच के दीवाल में और 4.5 इंच के दीवाल में मोर्टार क्या दें। तो 9 इंच के दीवाल में सीमेंट और बालू का रेशियो 1:6 रखें, यानी कि 1 सीमेंट की मात्रा और 6 बालू की मात्रा। और 4.5 इंच के दीवाल में बालू और सीमेंट का रेशियो 1 सीमेंट की मात्रा और 4 बालू की मात्रा। और बाहरी दीवार को हमेशा वाटर प्रूफ पेंटिंग से ही पेंट करें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव हाइट जो है, अगर बोथ इन रेस्ट्रेंट है यानी कि बंधा हुआ है, चाहे वो स्लैब से बंधा हो या बीम से बंधा हो, तो इफेक्टिव हाइट हमेशा 0.75 H होगा। और इफेक्टिव हाइट अगर एक इंड फिक्स्ड है और दूसरा इंड जो है फ्री है, यानी कि एक इंड रेस्ट्रेंट है और दूसरा फ्री है, जैसे कि पारापेट वाल है या बाउंड्री वाल है, तो इसमें इफेक्टिव हाइट 1.5 H होता है, क्योंकि इसमें आपका एयर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और भूकंप का भी प्रेशर, सिस्मिक प्रेशर या सिस्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज पर IS 1905/1987 वाल का थिकनेस लोड बियरिंग वाल में डिजाइन करने पर अगर वह वाल का थिकनेस 9 इंची हो या 4.5 इंची हो, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका दीवाल सेफ है, अन्यथा आपका दीवाल सेफ नहीं है। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा चीज़, सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव हाइट डिवाइडेड बाई लिस्ट डायमेंशन ऑफ वाल। वो हमेशा 6 और 27 के बीच में ही रहना चाहिए, चाहे दीवाल का थिकनेस 4.5 इंच हो या 9 इंच हो। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आप अगर मकान बना रहे हैं तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, ताकि आपका मकान भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।